दिन के अंदर वो खबर आ भी जाती है सिस्टम में। जरा बताइए आज कौन सा न्यूज़ ढूंढ के लाए के आए हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा वेदांता और हमारी जो बातचीत हो रही है डीलर्स से। यहाँ पता चल रहा है कि ब्लॉक डील हो सकता है अगले हफ्ते। यहाँ पे प्रमोटर लाइकली सेलर रहेंगे, जहाँ पे 2 से 3% अपनी जो स्टेक है उसकी बिकवाली वो कर सकते हैं ब्लॉक डील के ज़रिए। करंटली प्रमोटर्स होल्ड करते हैं लगभग 62% स्टेक कंपनी में, और हाल ही में कंपनी ने 100,000 करोड़ रुपए की जो है बोर्ड में अप्रूवल भी आई। यहाँ पे वो रेज करेंगे फंड्स NCDs द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए। अगर अब बात करते हैं तो वेदांता ग्रुप इस साल में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ग्रुप्स रहा है। वित्त साल 2025 में अभी तक 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड भी हुआ है। कुछ अहम ट्रिगर्स भी है इस स्टॉक के लिए। सबसे पहला है कि जो मोनेटाइजेशन है वो अपनी स्टील और रॉ मटेरियल बिजनेस में कर सकते हैं वित्त साल 2025 में फर्स्ट हाफ में। और सबसे बड़ा बात है कि जो डीमर्जर होने वाले उनके 6 आर्म्स पे उस पर लेके बाजार की जो है ओवरऑल फोकस रहेगी कि रिस्ट्रक्चरिंग होता कैसे और वैल्यू अनलॉकिंग कैसे देखने मिलती है। और कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी कहा है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये सारी डीमर्जर ये प्रोसेस वित्त साल 2025 में ही कंप्लीट होगा, तो वैल्यू लॉकिंग हो ही रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे डीलर से बातचीत से पता चल रहा है कि प्रमोटर्स 2 से 3% स्टेक ब्लॉक डील के ज़रिए अगले हफ्ते बेच सकते हैं।